Hello student, in today's class we are continuing our voice topic, active passive voice topic. We today begin and learn about the simple tense, how to we convert a simple simple active voice into the passive voice. Let's begin. In simple tense, first we make some rules and some general rules to convert active voice to passive voice. How? And make object to subject, make जो active voice का active voice sentence में जो subject होगा, जो object होगा sentence में, subject verb plus object, ये हमारा होता है. तो इसमें जो object है ये, इसको हम क्या करेंगे, passive बनाएंगे जब इसको subject की जगह पर ले आएंगे. देन उसके बाद में पुट हेल्पिंग वर्ब. अब जो ये सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. एंड यूज़ बाय, और लास्ट में क्या करेंगे, बाय लगा देंगे. देन उसके बाद में जो ये सब्जेक्ट रहेगा, मेक सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट रहेगा पैसिव का, एक्टिव का, उसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे और यहाँ पर इसको पुट कर देंगे. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके. एक्टिव वॉइस में, जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, द वेटर कैरीज द ट्रेस. अब इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, और ट्रेस ये जो है ऑब्जेक्ट है. अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट लेंगे इसका, यहाँ से द ट्रेस. द ट्रेस इज ए प्लूरल सब्जेक्ट. एंड यहाँ हम देखेंगे कि टेंस कौन सा है. ऐसे ये सारा है तो कौन सा टेंस हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और जो सिंपल टेंस होता है उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, एस या एस का, एस या एस. अब हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, पर जैसे जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आई उसको चेंज कर देंगे. जैसे ट्रेज है तो उसके साथ में इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा. अब जो वर्ब है कैरिड, कैरिड को हम लेंगे, कैरिड को लिया और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया. एंड देन बाय को पुट करेंगे, एंड जो सब्जेक्ट था इसका एक्टिव का उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे. इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में, ही कॉट द बॉल. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट द बॉल, जिसको हम इसमें पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे. देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे कॉट है, कॉट है सेकेंड, तो ये इसका मतलब ये है पास्ट सिंपल टेंस. और पास्ट सिंपल टेंस को हम वॉज वर्ब लगाएंगे यहाँ पे. देन कॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड बाय पुट करेंगे, एंड जो ही है उसको हम किस में चेंज करेंगे, हिम में, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, द कंप्यूटर पुट करेंगे एज ए सब्जेक्ट ऑफ पैसिव इज. अब हमें पता है कि अगर इज वर्किंग आ रहा है तो हमें आई एन जी आ रहा है तो हमें क्या लगाना होगा, बींग लगाना होगा. बींग हमने पुट कर दिया. देन उसके बाद में जो वर्क फॉर्म है उसके साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म, वर्क अपॉन बाय हर, शी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हर बन जाएगा. और कुछ सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं, जैसे वी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे. सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हर बर्थडे को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया. देन विल, विल के साथ में वी का यूज़ करेंगे, सेलिब्रेट की वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, सेलिब्रेटेड बाय वी का ऑब्जेक्टिव अस हो जाएगा. आई हैव सीन दैट मूवी. सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दैट मूवी सब्जेक्ट, हैज़ का हैव का हैज़ हो जाएगा यहाँ पे, और बीन लग जाएगा. देन सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय मी. द हंटर हैड कॉट ए फॉक्स. सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देन ए फॉक्स सब्जेक्ट के रूप में, हैड, हैड का हैड रहेगा, बीन यहाँ लग जाएगा. देन कॉट की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है, एंड बाय द हंटर, हंटर का यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए. वी डोंट मैंशन द एजेंट्स इन पैसिव वॉइस वैन.
यानी जब बाय के बाद में जब ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो कहीं सेंटेंस में उस ऑब्जेक्ट को लगाने की या उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो ऐसी कौन से सेंटेंस होते हैं, कैसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें वो नहीं लगेंगे, देखते हैं। इफ़ वी डोंट नो हु हैज़ डन वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे अवर कार वॉज स्टॉलन लास्ट नाइट, तो वी डोंट नो हु स्टॉलन, दैट्स वाई वी आर नॉट पुटिंग हियर बाय विथ ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है इफ इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड हु हैड डिड समथिंग विदाउट इट बींग मेंशन दैट मर्डरर वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट। तो ये सेंटेंस है मर्डरर वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन द अरेस्टेड बाय पुलिस। तो बाय पुलिस लगाना यहाँ पर कोई कंपल्सरी नहीं है क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड एंड बिकॉज इट सेल्फ एविडेंट। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इज समथिंग लाइक नोबडी एनीवन एवरीवन नो वन समवन समबडी पीपल दे यू एंड एटेक्स्ट्रा, तो उसको कैसे कहेंगे, समवन ब्रोकन द विंडो, ये एक्टिव। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे, पैसिव बनाने के लिए हमें द विंडो, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट ले लेंगे, वॉज ब्रोकन सेकंड फॉर्म है इसलिए हमने वॉज यहाँ पुट किया एंड ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। समवन आ रहा है तो इसको यहाँ पुट करना समवन इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कोई नेसेसरी नहीं है लगाना इसको। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, नो वन एवर सेज अ वर्ड, ए वर्ड ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ए वर्ड सेज सिंपल प्रेजेंट इज नेवर सेज का सेट हो जाएगा। इसी तरह से नो बडी अंडरस्टैंड हर, हर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो शी अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट इज एंड नेवर अंडरस्टैंड। देन पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश जो इसका ऑब्जेक्ट इसको लेंगे हम, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पीपल को हम नहीं लगाएंगे। डबल ऑब्जेक्ट वाले जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही टॉट अस इंग्लिश, ही सब्जेक्ट टॉट वर्ब अस, इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे अस और इंग्लिश, अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा एंड इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम दोनों से ही इसका पैसिव बना सकते हैं, कैसे, जैसे हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, इनडायरेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में वी, अस का वी टॉट सेकंड है तो वर में जाएगा वी प्लूरल, इसलिए वी वर टॉट वर की थर्ड फॉर्म इंग्लिश बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, इंग्लिश वॉज टॉट टू अस बाय हिम। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसके, शी गेव मी अ बुक, एक ऑब्जेक्ट ये है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक है। आई वॉज गिवन ए पेन बाय हर, तो ये तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया जिसमें हमने मी का आई किया है एंड गेव जो है सेकंड, इससे पास्ट टेंस में है, ये पास्ट सिंपल टेंस में वॉज पुट किया, देन गेव का गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म ए पेन, ओके ए बुक होना चाहिए यहाँ पे, ए बुक बाय हर। ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर, अब ये हमने किससे बनाया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो ए बुक यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया वॉज गिवन टू बाय हर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसका, द प्रिंसिपल विल गिवन हिम ए रिवॉर्ड, अब इसमें एक ऑब्जेक्ट तो हिम यानी ये और ए रिवॉर्ड दूसरा ये, हिम से बनाते हैं तो हिम का यहाँ पे ही विल हेल्पिंग वर्ब है, बी लगेगा उसके साथ, गिव का गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म
ए रिवॉर्ड बाय द प्रिंसिपल। इसी तरह से अगर हम ए रिवॉर्ड से बनाएं तो ए रिवॉर्ड पुट करेंगे एज ए सब्जेक्ट, देन विल बी गिवन टू हर बाय द प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, आगे इंटरोगेटिव एंड जो इंपैरेटिव सेंटेंस है उसको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे उसको सीखेंगे।